नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी बड़े घर की बेटी के कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, इसका जो एक क्वेश्चन है, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर देती हूँ। लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मीन्स लाल बिहारी जो है वो आनंदी पर क्यों गुस्सा हो रहा। तो इसका आंसर होगा कि लाल बिहारी कुछ दिन पहले ही, ओके, उसने 250 ग्राम घी लाया था, प्योर घी था, ओके, और उसको आनंदी ने उस पूरे घी को, ओके, शुद्ध घी को आनंदी ने मांस पकाने में यानी नॉनवेज बनाने में प्रयोग कर लिया था। ओके, जब लाल बिहारी दोपहर का भोजन करने के लिए बैठता है और वो आनंदी से घी मांगता है, ओके, तो आनंदी दाल में वो घी मांगता है, ठीक, कि मुझे दाल में थोड़ा सा घी चाहिए, प्योर घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। तो आनंदी कहती है कि अब घी नहीं है, मैंने पूरा घी जो है वो मांस बनाने में यानी नॉनवेज बनाने में यूज कर लिया यानी प्रयोग कर लिया। इस बात से लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ गया, क्यों, और उसने आनंदी से ये कहा कि मैंने परसों ही तो घी लाया था, इतना जल्दी, परसों में मतलब कि डे बिफोर यस्टरडे, ओके, मैंने परसों ही तो घी लाया था, ओके, वो घी इतना जल्दी कैसे समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ओके। उसके बाद आनंदी कहती है कि तो आनंदी ने कहा कि हाँ, मैंने ये मांस बनाने में प्रयोग कर लिया। तब जो है लाल बिहारी सिंह गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि ये अपने आप को समझती क्या है, आनंदी अपने आप को क्या समझती है, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है। और गुस्से में आकर के लाल बिहारी जो है वो आनंदी से कहता है कि तुम्हारे घर में घी की नदियां बहती हैं क्या। तो आनंदी भी गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि हाँ, मेरे घर में घी की नदियां बहती हैं, ओके, और जितना घी यहाँ तुम्हारे यहाँ एक महीने में खर्च होता है, ओके, वहाँ उतना तो मेरे घर में यानी मेरे मायके में प्रतिदिन जो है वो सर्वेंट लोग यानी नौकर लोग खा जाते हैं। इस बात पर लाल बिहारी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ओके, और वो आनंदी पर पूरी तरह से बिगड़ने लगता है, ओके। तो इन दो बातों के चलते लाल बिहारी आनंदी पर बिगड़ पड़ता है। पहला जो, जब उसने खाने में दोपहर के भोजन के समय यानी लंच के समय जब वो घी मांगता है आनंदी से, तो आनंदी ये कहती है कि मैंने सारा घी मांस बनाने में प्रयोग कर लिया। और दूसरा, जब वो आनंदी से ये कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हैं क्या, तो आनंदी भी गुस्से में आ जाती है और उससे वो ये कहती है कि हाँ, जितना घी तुम्हारे घर में एक महीने में खर्च होता है, उतना तो हमारे घर में हमारे मायके में प्रतिदिन नौकर खा जाते हैं। सो इन दो बातों को लेकर के लाल बिहारी जो है वो आनंदी पर बिगड़ पड़ता है, ओके। तो इस तरह से मैंने जो बड़े घर की बेटी के का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का कुछ इम्पॉर्टेंट, जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।